Yes. So in this chapter, when we will discuss about the traders, kings and pilgrims, then so many kingdoms were there in our country. And out of these, first of all, we will discuss about the southern kingdoms. Southern kingdoms, the southern half of the subcontinent is marked by a long coastline. Iska matlab kya hai ki hamara jo southern India hai, theek hai, to southern India mostly coastal areas. Coastal areas means along with the sea, जिनका जो boundary है वो sea के साथ, and इसके साथ ही hills भी हैं, plateaus areas भी हैं, river valleys भी हैं, ठीक है? तो इसके साथ साथ हमने ये देखना है कि पुराने time period में बहुत सी ऐसी river valleys जो थी वो main kings उनको control करना चाहते थे, क्योंकि river valleys का area, coastal areas trade के लिए बहुत, जिसे हम कहते हैं, perfect होते थे. जैसे बच्चे आपने अशोका जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था ना, कलिंगा, व्हाई दिस बैटल वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अशोका टू विन, बिकॉज कलिंगा वाज अ कोस्टल प्लेस, और जिस किंग के पास कोस्टल एरिया आ जाता है तो वो किंग ट्रेड को इजीली कंट्रोल कर सकता. सो दैट्स व्हाई मेनी किंग्स एट दैट टाइम दे वॉन्टेड टू विन, दे वॉन्टेड टू कंकर द कोस्टल एरियाज. तो अब ऐसे ही हमने एक सदरन इंडिया में पढ़ना है कि सदरन इंडिया की तरफ कावेरी रिवर, कावेरी रिवर वाज वेरी फर्टाइल इवन टुडे आल्सो, एट दैट टाइम दिस रिवर वैली एरिया वाज वेरी फर्टाइल, और इस रिवर के आसपास बहुत सी डायनेस्टीज जो थी वो थी. इनमें से हमने थ्री डायनेस्टीज पढ़ी थी, चोलास, चेरास एंड पांड्यास. चोलास, चेरास एंड पांड्यास, तो इन तीनों तीनों डायनेस्टी के जो किंग्स थे बहुत पावरफुल थे. चीफ, चीफ का मतलब होता है कि वो अपनी अपनी डायनेस्टी के पावरफुल किंग्स. तो इसको एक तमिल वर्ड मतलब हमने तमिल वर्ड में इसको लर्न करना है. थ्री चीफ्स का मतलब होता है मुवेंदार. ये एक नया वर्ड है आप बच्चों के लिए, मुवेंदार. ठीक है, मुवेंदार का मतलब क्या होता है? ये तमिल वर्ड है जिसका मतलब क्या है, थ्री चीफ्स. अब थ्री चीफ्स मतलब कौन? ठीक है, कौन सी रिवर के पास? कावेरी रिवर, कावेरी रिवर के पास. और इन डायनेस्टीज के नाम क्या थे? नाम याद रखने हैं आपने, चोलास, चेरास एंड पांड्यास. ये अलग अलग फैमिलीज थी बच्चे, ये अलग अलग डायनेस्टीज थी. इन डायनेस्टीज के अलग अलग चीफ थे, अलग अलग किंग्स थे, और इन तीनों को क्या कहा जाता है? मुवेंदार. और कितने इयर्स पहले थे इंडिया में? कितना पुराना, कितनी पुरानी हिस्ट्री है इनकी? 2300 इयर्स अगो हमारी कंट्री में कावेरी रिवर में इन डायनेस्टीज का रूल था, और इनके चीफ्स तीनों को क्या बोलते थे? मुवेंदा. ठीक है, तो अब हमने इनमें से हम दो सिटीज हमने याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट सिटीज. चोलास, एक हम चोलास की सिटी याद रखेंगे, ठीक है, और एक हम याद रखेंगे पांड्यास. सिटी के नेम आपने याद रखने हैं कि कौन सी सिटीज में ये बहुत ज्यादा जो है वो फेमस थे. और पुहार, एक हमने नाम याद रखना है पुहार. चोलास जो था, चोलास का फेमस जो फेमस सिटी थी उसका नाम क्या था? पुहार. बच्चे ये सिटी का नाम था पोर्ट एरिया, पोर्ट एरिया था जहां से ट्रेडिंग होती थी. और दूसरा पांड्यास की अगर बात करें तो पांड्यास की थी मदुरई. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुवेंदार? तो आपने क्या बताना है, मुवेंदार का मतलब क्या होता है? थ्री चीफ, चोला, चेरास एंड पांड्यास. अगर मैं आपसे ये पूछूं इंपॉर्टेंट पोर्ट एरिया, पोर्ट सिटी ऑफ चोलास, दैट इज पुहार. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विच वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास, कैपिटल पांड्यास की कैपिटल कौन सी थी? मदुरई. ठीक है, तो ऐसे आपने इन प्लेसेस को याद रखना है. ठीक है, तो अब हम करेंगे इनके सोर्सेज ऑफ इनकम. सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है बच्चे, कि हाउ दे कलेक्टेड मनी. अब कोई भी किंग जब किसी भी पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करता है तो किंग के पास मनी कहाँ से आती है? एट प्रेजेंट तो हम बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है हमसे टैक्स लेती है, लेकिन आपको पता है इन चीफ्स की एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था? द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस. ये टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे,
तो अगर ये टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे बेटा तो इनके पास इनकम कहाँ से आती थी? ठीक है, अब हमने ये पढ़ना है कि अगर ये टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे तो इनके पास इनकम कहाँ से आती थी? इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव गिफ्ट्स, ये गिफ्ट्स लेते थे, ट्रिब्यूट्स लेते थे, किनसे लेते थे? अब ये तीनों चीज बहुत पावरफुल, दे कीप ऑन सेंडिंग देयर आर्मी टू द नेबरिंग एरियाज फॉर अटैक, यानी कि ये जो अलग अलग चीफ थे ये आसपास के नेबरिंग एरियाज में अपने मिलिट्री आर्मी एक्सपीडिशंस सेंड करते थे, और जिन जिन एरियाज में ये अटैक करते थे उन एरियाज को जीत जाने के बाद उनके किंग से ये ट्रिब्यूट्स या गिफ्ट्स लेते थे। फॉर एग्जांपल सपोज इनमें से कोई भी किंग है, जैसे चोलाज हैं, चेराज हैं, पांड्याज हैं, ये क्या करते थे, अपनी आर्मी को आसपास के नेबरिंग एरियाज में अटैक के लिए भेजते थे, जहां पर ये अटैक करके जीत जाते थे उस किंग से ये गिफ्ट्स और ट्रिब्यूट्स वापस लेकर आते थे, और इस तरह से उस टाइम पीरियड में इनके पास इनकम कलेक्ट होती थी। अब जब इनके पास इनकम कलेक्ट होती थी तो इस इनकम के साथ वो क्या करते थे, तो किसी भी किंग के पास जब बहुत सारी इनकम कलेक्ट होती थी तो कुछ इनकम को वो आसपास डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे? ठीक है, यस, नंबर वन फैमिली, आप अपनी फैमिली को, जो उनकी डायनेस्टी फैमिली, सोल्जर्स, क्योंकि सोल्जर्स भी तो उनके साथ गए थे ना, उनको भी तो सैलरीज चाहिए। देन इसके अलावा इनका एक और शौक था, शौक क्या था, ये अपने बारे में पोइम्स या बुक्स वगैरह लिखवाते थे। ठीक है, इन किंग्स को अपने अपनी प्रेज करने का बहुत शौक था, तो इसके लिए उन किंग्स ने क्या किया हुआ था, अपने पोइट्स, इनके हर एक किंग्स के अपने अपने पोइट्स होते थे और ये पोइट्स उनके बारे में प्रेज के पॉइंट्स लिखते थे। ऐसी ही हमने प्रेज जो है वो संगम पोइम्स, साउथ का एक मेन लिटरेचर है जिसको संगम पोइम्स कहते हैं, उसमें लिखी हुई है, उनको पढ़ के हमें ये पता लगता है कि कैसे उस टाइम पीरियड में साउथ इंडिया के जो किंग हैं वो एक दूसरी कंट्रीज पे अटैक या दूसरे एरियाज पे अटैक करते थे। ठीक है, और जो पोइट इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से बुक्स या पोइम्स लिखते थे उनको क्या गिफ्ट करते थे, ये स्टोन्स, गोल्ड, ज्वेलरी, ठीक है, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, रहने के लिए घर, फाइन क्लोथ, चैरियट्स, आने जाने के लिए रथ। तो आप ये देखो कि उस टाइम पीरियड में पोइट्स जो थे इनकी जो है वो प्रेज करके कितना कमाते हुए, मे बी शायद उस टाइम पीरियड में पोइट्स जो हैं वो इनकी प्रशंसा जो करते थे, प्रेज करते थे 100%, अगर वो उसके कैपेबल नहीं भी थे लेकिन फिर भी वो उनको अपोज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं थी, नोबडी कैन क्रिटिसाइज द किंग, अगर किंग गलत भी है तो भी पोइट्स उनकी प्रेज करते थे। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ द किंग वॉज रॉन्ग, अगर किंग गलत भी होते थे तो भी पोएट्स उनकी प्रेज करते थे, क्योंकि अब पोएट्स को ये डर होता था कि अगर वो उनकी प्रेज नहीं करेंगे तो ना ही उनको रिवॉर्ड मिलेगा, और अदरवाइज अगर वो उनको अपोज करेंगे तो उनको पनिश भी किया जा सकता है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट दीज थ्री किंगडम्स, ये अलग अलग किंगडम्स थी, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। कौन सी रिवर के पास थी ये? कावेरी रिवर के पास। दीज वर कॉल्ड मुबैंदास। How they collected money? They were not, they didn't collect regular taxes. Instead, they demanded and received gifts from the people. They also sent military expeditions to the different parts of the country. And they collected tributes, gifts and distributed among their supporters. बाद में वो अपने supporters में distribute कर देते थे, poets को भी देते थे, लेकिन उन poets को देते थे जो उनकी बहुत praise करते थे। Clear? इसके बाद फिर हमने पढ़ना है, after that, फिर एक और डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ी है चोला, चेराज एंड पांड्यास के बारे में। अब एक और डायनेस्टी हमने पढ़नी है, ये बच्चे थोड़ा सा साउथ इंडियन नेम है, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आपने याद करना है। ये डायनेस्टी कौन सी थी? सत्यवहानास डायनेस्टी। सत्यवहाना, सत्यवहाना भी कह सकते हो आप इसको। हमने तीन डायनेस्टीज पहले पढ़ी हैं, चोला, चेराज एंड पांड्यास, एक और हमने पढ़ी है सत्यवहाना डायनेस्टी। सत्यवहाना डायनेस्टी जो थी दैट वाज आल्सो वेरी पावरफुल डायनेस्टी इन, लेकिन ये जो थी वो हमने पढ़ी है साउथ इंडिया में, ये हमने पढ़नी है वेस्टर्न, ये इंडिया की वेस्टर्न साइड। ये चोला, चेराज एंड पांड्यास जो थी ये सदरन, और सत्यवहाना डायनेस्टी जो थी वो वेस्टर्न साइड में थी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अराउंड 200 इयर्स लेटर अ डायनेस्टी नोन एज द सत्यवहाना डायनेस्टी बिकेम वेरी पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर
अब इस डायनेस्टी में आपने एक रूलर का नाम आपने याद करना है, थोड़ा डिफिकल्ट है नाम याद करना, साउथ इंडिया नेम है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, बहुत बड़ा नेम है ना, लेकिन इसको तीन चार बार जब मैं बोलूंगी ना आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। नेम अगर मैं आपसे पूछूं, नेम एनी किंग ऑफ सतभाना डायनेस्टी, तो पूरा नाम उनका क्या था, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। हमें इनके बारे में कैसे पता लगा, ठीक है, आपने जो है आपने पहले पढ़ा होगा कि बेटा पुराने टाइम पीरियड में जो किंग्स थे अपने बारे में इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे, इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है अपनी प्रेज। ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस इंडिया के वेस्टर्न साइड में बहुत सी इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें इस किंग के बारे में जो है वो प्रेज की गई है, और इनका नाम इनकी मदर के नाम के ऊपर पड़ा इसलिए इनका नेम थोड़ा बड़ा है। इनकी मदर का नाम क्या था, गौतमी बालाश्री। हु वॉज द मदर ऑफ श्री सतकर्णी, गौतमी बालाश्री, ठीक है। He and Satbhanada's rulers were known as lords of Dakshinapath. इनको क्या बोलते थे, lords of Dakshinapath. Dakshinapath का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। पहले dynasty का नाम, ठीक है, सबसे पहले dynasty का नाम क्या है, Satbhana dynasty. Satbhana dynasty इंडिया की कौन सी साइड में थी, वेस्टर्न साइड में, ठीक है। और इनके मेन रूलर का नाम आपने याद रखना है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। इतना बड़ा नाम क्यों है, क्योंकि इनका नाम इनकी मदर के नाम पे है। मदर का नाम क्या था, गौतमी बालाश्री। गौतमी बालाश्री वॉज अ मदर ऑफ श्री सतकर्णी, ठीक है। अब इनको क्या कहते थे, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। हिंदी में ये वर्ड है दक्षिणापथ, दक्षिण, दक्षिण मतलब साउथ कहते हैं, ठीक है। इनको दक्षिणापथ क्यों कहते हैं, अब ये पता क्या बच्चे, जब भी किसी भी किंग ने चोला चेराज एंड पांड्या के ऊपर अटैक करना होता था ना, इनको पहले इनकी डायनेस्टी को क्रॉस करके जाना पड़ता था। मतलब अगर किसी ने भी अगर साउथ की तरफ जाना है ना, तो पहले यहाँ से इनके एरिया से निकल कर जाना पड़ता था, ठीक है। तो इसीलिए इनको ये एक तरह से दक्षिण को एक गेट, गेट का मतलब क्या होता है, ये साउथ का गेट था, यानी कि अगर किसी ने भी इन एरियाज में जाना है तो सबसे पहले इनको क्रॉस करना पड़ता था। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, ठीक है। दक्षिणापथ का मतलब क्या होता है, रूट लीडिंग टू द साउथ, ठीक है। यानी कि इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने भी चोला चेराज एंड पांड्यास को अटैक करना होता था तो पहले वो सतभाना डायनेस्टी से होकर निकलना पड़ता, इसलिए इनको क्या बोलते थे, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ। ये साउथ को प्रोटेक्ट करते थे, मतलब ये सोचो कि ये साउथ को प्रोटेक्ट करते थे, इसलिए इनको कहा गया लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इस पैराग्राफ में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने पढ़ा बच्चे चोला चेराज एंड पांड्या। चोला चेराज एंड पांड्या जो है वो सदरन जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। थ्री चीफ्स मुगैनदार थे, ठीक है। दो पोर्ट, दो एरियाज मैंने आपको बताए, पुहार जो था वो चोलास का इंपॉर्टेंट एरिया था, एंड मदुरई जो था वो पांड्यास का इंपॉर्टेंट एरिया था, ठीक है। और इसके बारे में हमने फिर डिस्कस किया था कि कैसे इनके चीफ जो थे वो अपने ऑर्गेनाइज करते थे, अपनी आर्मी को कैसे ऑर्गेनाइज करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे मनी, ठीक है। इसके बाद फिर हमने एक और डायनेस्टी का नाम पढ़ा, सत्यभाना डायनेस्टी। सत्यभाना डायनेस्टी जो थी वो वेस्टर्न की तरफ, इंडिया के वेस्टर्न साइड की तरफ है, और इनके इंपॉर्टेंट किंग का नाम क्या है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, नाम से पता लगता है कि इनकी मदर का नाम क्या था, गौतमी श्री बाला, गौतमी जो है वो इनका नाम था, गौतमी बालाश्री इनके मदर का नाम था, अपनी मदर के नाम पे ही इनका नाम पड़ा था, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। वैसे इनका नाम क्या था, श्री सतकर्णी, लेकिन मदर के नाम के पास इनका नाम पड़ा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे हमारी कंट्री में, इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता था, ये बहुत ज्यादा फेमस थे और ये साउथ को प्रोटेक्ट करते थे, ये साउथ को प्रोटेक्ट करते थे, यानी कि साउथ की तरफ जाने के लिए अगर कोई भी किंग, किसी भी किंग ने अगर इनपे अटैक करना होता था तो उनको इनके एरिया से निकल कर जाना पड़ता था। यानी कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो थे वो साउथ की तरफ जाने वाले जितने भी एरियाज थे उनको कंट्रोल करते थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ। लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण की तरफ जाने के लिए कितने जो भी रास्ते थे उनको ये कंट्रोल करते थे, ठीक है। एंड दक्षिणापथ का मतलब क्या है, रूट लीडिंग टू द साउथ, यानी कि साउथ की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते थे उनको ये कंट्रोल करते थे, और इस तरह से ये साउथ को प्रोटेक्ट करते थे। Clear? Any doubt? First of all, regarding this, those who want to ask, please ask your question so that I will start further.
यस, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? ओके शांतनु, वेरी गुड। हाँ जी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बिकॉज द वर्ड्स आर लिटिल बिट डिफरेंट। इफ इट इज नॉट क्लियर देन यू कैन आस्क बेटा। So let's check you are getting or not. I will ask question and raise your hand. Okay? Okay. Who was the mother of Shri Satkarni? Raise your hand. Very good. Priyanshu. Anji. Keep your mic on. Gautami Balashri. Very good. Okay. Then what is the meaning of Mubendas? Mubendas. Shantanu. Anji. What is the meaning of Mubendas? The ruling families, the Dolas, Cheras, and Spanish. Three chiefs. पहले बताना three chiefs. Mubendar का मतलब क्या होता है? Three chiefs. Three chiefs में कौन कौन से चीफ हैं? Cholas, Cheras, and Pandas. Very good. Okay. Next. Important port of Cholas. Important port of Cholas. Important port of Cholas. Cholas का important port. सिटी बताओ कोई भी। हाँ जी प्रियांशु, शांतनु, इसके अलावा दिशिता आप बताओ बेटा। कीप माइक ऑन दिशिता। हाँ जी, इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ चोलास। मनमीत, नतांश, अभिनव, अगमजोत। हाँ जी मनमीत, इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ चोलास। इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ चोलास पुहार। वेरी गुड, पुहार। ओके, कैपिटल ऑफ पांड्यास। मदुराई। मदुराई, वेरी गुड। ओके, फ्रॉम विच डायनेस्टी गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी बिलोंग? काव्या। वेरी गुड काव्या। हाँ जी सत्यभाना, सत्यभाना डायनेस्टी। वेरी गुड काव्या, वेरी गुड। ओके, हु वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ? हु वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ? शांतनु। हाँ जी सत्यभाना रूलर्स। सत्यभाना रूलर्स, वेरी गुड। सत्यभाना रूलर्स भी कहते थे लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ बिकॉज दे कंट्रोल द रूट्स ऑफ सदरन इंडिया। सदरन इंडिया की तरफ जाने वाली जितनी भी रोड्स थी वो उनको कंट्रोल करते थे। दैट्स व्हाई दे वर रिगार्डेड एज द लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ। क्लियर? ओके, वेरी गुड। यस, यस, वेरी गुड बेटा। नाउ वी विल स्टार्ट फर्दर द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। अब एक अलग से हम ये मतलब अलग से पैराग्राफ है ये स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट मतलब रूट, रूट का मतलब होता है द रोड्स, है ना? तो यहाँ पे सिल्क का मतलब होता है द रोड्स ऑन विच सिल्क वॉज कैरिड ट्रेडेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर पार्ट। यानी कि एक ऐसे ऐसी रोड्स जिन रोड्स में सिल्क का बिजनेस होता था। द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। सिल्क, सिल्क एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फाइन टेक्सचर क्लोथ होता है, कॉस्टली भी बहुत होता है, और हर एरिया में सिल्क नहीं बन सकता, हर सिटी में सिल्क नहीं बन सकता। सिल्क बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, वो किसी किसी एरिया या किसी किसी कंट्री में फॉलो होता है। और जिस एरिया में सिल्क नहीं मिलता वो लोग क्या करते हैं, फिर जहाँ पे बनता है उससे खरीदते हैं। और ट्रेडर्स जो लोग इसको बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रेडर्स। तो अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट का मतलब होता है ऐसे रास्ते, ऐसी रोड्स जहां से सिल्क जो था दैट वाज कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जहां पे सिल्क जो था वो एक जगह से दूसरे का लेकर जाते थे बेचने के लिए। द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क एंड मेक इट हाईली वैल्यूएबल। हाईली वैल्यूएबल का मतलब होता है कि उस टाइम पीरियड में जो जितने भी किंग्स थे, क्वींस थी, या जो भी मिनिस्टर्स थे वो मेनली सिल्क पहनते थे। तो सिल्क जो था ये बहुत एक मतलब जो है वो स्टेटस सिंबल माना जाता था।
एंड बट मेकिंग ऑफ सिल्क इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. आप में से कोई बच्चा जानता है सिल्क कैसे बनता है? हाउ सिल्क इज प्रिपेयर्ड? यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यू नो हाउ सिल्क इज प्रिपेयर्ड? कृतज्ञ, वेरी गुड. यस कृतज्ञ, हाउ सिल्क इज प्रिपेयर्ड यू नो? मैम आई सॉ अ वीडियो, उसमें बताया था कि सिल्क बनाने के लिए 1000 सिल्क वॉर्म्स को गर्म पानी में डालना पड़ता है. यस, सिल्क वॉर्म्स जो है उनको रियर किया जाता है. मलबरी ट्री, एक ट्री होता है, उस ट्री के लीव्स के ऊपर सिल्क वॉर्म्स, सिल्क के कीड़े होते हैं, ठीक है, उनको पाला जाता है, फिर उनके लिक्विड से सिल्क बनाया जाता है. तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, ठीक है. एंड रॉ सिल्क हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून्स, कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जो सिल्क वॉर्म्स के कोकून्स होते हैं उनसे सिल्क निकाला जाता है. उसके बाद इसका थ्रेड बनाते हैं, स्पन इनटू थ्रेड एंड देन वूवन टू क्लोथ. उसके बाद इसका कपड़ा बनता है, सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क का मटीरियल. तो बहुत कॉस्टली होता है सिल्क. एंड टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क, आपको पता सबसे पहले कौन सी कंट्री थी विच इन्वेंटेड द टेक्निक? कौन सी कंट्री सबसे पहले सिल्क जो है बनाने की टेक्निक लेकर आई? विच वॉज द कंट्री? हु विल टेल मी? यू नो विच वॉज द कंट्री? विच कंट्री? यस प्रियांशु, वेरी गुड. चाइना. वेरी गुड, चाइना. यस, चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री दैट इन्वेंटेड द मेकिंग ऑफ सिल्क प्रोसेस. चाइना एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने सिल्क बनाने का प्रोसेस जो है वो इन्वेंट किया, ठीक है. लेकिन आपको पता है चाइना ने ये मेथड कितने साल तक छुपा कर रखा, दूसरे वर्ल्ड को बताया नहीं. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो मेथड है वो उस मेथड को यूज करे ताकि प्रॉफिट कमाए, ताकि वर्ल्ड में जहां पर भी सिल्क बेचने का राइट जो है वो सिर्फ चाइनीज लोगों का, ठीक है. अब इस तरह से सिल्क जो है वो चाइना में बनाया गया, और कितने साल तक उन्होंने चाइना ने सिल्क मेकिंग प्रोसेस को छुपा कर रखा, क्लोजली गार्डेड सीक्रेट. सीक्रेट का मतलब होता है ये सीक्रेट को उन्होंने बताया नहीं. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे लोग चाइना से दूसरी कंट्रीज में गए, तो दूसरी कंट्रीज के लोग चाइना गए, तो धीरे 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 लोगों ने फिर क्या किया, जब वहां पर सिल्क जो खरीदी और सिल्क का प्रोसेस धीरे धीरे सीखा, और फिर उन्होंने क्या किया, चाइना से सिल्क जो है वो दूसरी कंट्रीज में लेकर जाते थे. बेटा उस टाइम पीरियड में ट्रक्स वगैरह तो होते नहीं थे, बसेस नहीं होती थी, ठीक है. तो लोग जो थे वो एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स बैक के ऊपर, कैमल्स के ऊपर, हॉर्सेस के ऊपर सिल्क जो था वो लेकर जाते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री. और जिन रास्तों से होकर ये सिल्क लेकर जाते थे उन रास्तों को, उन रोड्स को क्या कहा गया, सिल्क रूट. इट इज क्लियर? अब आपको पता लग गया होगा कि सिल्क, पहले तो सिल्क का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है. सेकंड इज कौन सी कंट्री ने सिल्क प्रोसेस जो है वो सबसे पहले इन्वेंट किया. एंड थर्ड, सिल्क रूट क्या होता है? सिल्क रूट इज द रोड्स कनेक्टेड जो कैरिड, इन विच पीपल कैरिड विद देयर एनिमल्स सिल्क फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब धीरे धीरे चाइनीज रूलर जो थे दैट सेंट गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू ईरान एंड वेस्ट एशिया. जो चाइनीज रूलर्स थे ना वो ईरान और वेस्ट एशिया के किंग्स को खुश करने के लिए सिल्क जो है वो भेजते थे उनके लिए. रास्ते में धीरे 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 क्या हो गया, सिल्क फैशन. फैशन का मतलब हो गया सिल्क पहना एक फैशन हो गया. अबाउट 2000 ईयर्स अगो वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन. और धीरे धीरे ये चाइना से रोम, चाइना से ये यूरोप गया, रोम गया. बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव होता था. As it had to be brought all the way from the China. लेकिन आपको पता है जब एक रोड से दूसरी रोड पे जब सिल्क लेकर जाते थे तो रास्ते पे अटैक होने का डर होता था. अब कई लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि सपोज अटैक करते थे, वो सिल्क को लूट लेते थे ताकि वो क्या कर सके, जो भी उनकी आइटम्स हैं उनको बेच सके. और इस तरह से धीरे 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 जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर सिल्क लेकर जाते थे तो उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती थी. क्यों लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती थी? हां जी टेल मी व्हाई. यस व्हाई द पीपल दे नीडेड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? हां जी नतांश. मैम बिकॉज बहुत सारे चोर होते थे, वो सिल्क ले जाते हैं. हां जी, रास्ते में अब आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम रोड से वहां पर, उस टाइम लाइटिंग तो होती नहीं थी ना, पुलिस होती थी, तो उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए होती थी ताकि जहां से वो सिल्क को लेकर जाएं
तो उनको लोग प्रोटेक्ट कर सके। और इस तरह से फिर क्या हुआ, अब सिल्क ले जाने के लिए एक पर्सन, सपोज आप इमेजिन करो, हमें एक, चलो एक मैं आपको एक जस्ट इमेजिन करते हैं, स्टोरी इमेजिन करते हैं। सपोज कोई पर्सन है, उसने चाइना से सिल्क खरीदा, उसके साथ 100 पीपल हैं, साथ में एनिमल्स भी, तो उसने क्या किया, जितने भी उसके एनिमल्स थे, कैमल्स या जो भी हॉर्सेस थे, उसने सारा सिल्क जो था उस पर पैक कर ली। नेक्स्ट डे उसने क्या किया, अपना कारवां, कारवां का मतलब होता है ग्रुप में चलना शुरू किया, चाइना से उसने ईरान जाना, सपोज उस टाइम पीरियड में उसे चाइना से ईरान जाना होगा, लेकिन रास्ते में बहुत डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है रिस्क, रास्ते में कोई भी जो पर्सन है उनके ऊपर अटैक भी कर सकता है। तो एक पर्सन ने अगर चाइना से ईरान जाना होगा तो रास्ते में उसको बहुत सी कंट्रीज से होकर निकलना पड़ेगा, क्लियर। और उसके बाद अब जिन कंट्री से निकलना पड़ेगा तो कई बार उनको रात भी वहां पे स्पेंड करनी पड़ेगी, नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी, रात भी वहां पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, जब ये ट्रेडर्स जब किसी जगह पर रुकते थे तो उनको धीरे धीरे क्या देना पड़ा, टैक्स देना पड़ा। टैक्स का मतलब जहां से वो निकल कर जाएंगे उनको टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स, जैसे आपको पता आज के टाइम में टोल टैक्स होता है ना। टोल टैक्स क्या होता है, सपोज आप जब जाते हो तो आपको जब दूसरी सिटी में एंटर करते हो आपको रुकना पड़ता है और टैक्स देना पड़ता है ना। ऐसे ही उस टाइम पीरियड में भी लोगों को जो है वो मनी देनी पड़ती थी अपने एरिया को, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो इससे धीरे धीरे क्या हो गया, हर किंग ने ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। किंग्स को तो बैठे बैठाए फायदा हो गया, मुझे ये बताओ किंग्स को कैसे फायदा होगा। एक किंग का अगर एरिया है वहां से सिल्क रूट, यानी कि बहुत से लोग अगर ट्रेडिंग के लिए लेकर जा रहे हैं, तो किंग को कैसे फायदा हो, दूसरे किंग को क्या फायदा हो, टेल मी। एक ऐसा किंग है जिस किंग के रास्ते से बहुत सी रोड्स जाती हैं और उन रोड से ट्रेडिंग होती है, तो उस किंग को क्या फायदा होगा। हाँ जी दिव्या, यस बेटा कीप योर माइक ऑन। मैम उनको टैक्सेस मिल जाएंगे। वेरी गुड, यस वेरी गुड, उनको तो बैठे बैठे टैक्स मिल जाएंगे। तो किंग को टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, किंग कहेगा कि आप मेरे एरिया से पीसफुली अलाउ, मैं आपको अलाउ करता हूँ जाने के लिए, मैं आपके ऊपर अटैक नहीं करूंगा और आपके पास जो भी सामान है ठीक है उसके लिए आप मुझे कुछ परसेंट टैक्स आपसे चाहिए। और वो टैक्स कलेक्ट करके किंग जो है उनके जो भी उनके साथ जितने भी पर्सन होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, उनको अलाउ कर देंगे अपने एरिया में निकलने के। और इस तरह से धीरे 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 बहुत से किंग्स ने ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्लियर। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, पीपल लिविंग अलोंग द रूट्स ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स। पेमेंट्स का मतलब क्या होता है, किंग्स जो थे वो पेमेंट्स डिमांड करते थे फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। इसका मतलब क्या है कि किंग्स जो थे वो अपने आसपास के एरिया से ट्रेडर्स को अलाउ करते थे जाने के लिए और बदले में उनसे टैक्स या पेमेंट्स लेते थे ताकि वो उस पर किसी भी तरह से जो है वो अटैक ना करें। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट। बहुत से ऐसे किंग्स थे, दे बिकेम वेरी रिच एंड पावरफुल बाय कंट्रोलिंग द ट्रेड रूट्स। बहुत से किंग्स हमारी कंट्री में ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया, अटैक किया, अब रोड्स को जो है वो कंट्रोल किया ताकि उन रोड से जाने वाले जो भी जितने भी ट्रेडर्स हैं उन ट्रेडर्स से वो क्या ले सकें, गिफ्ट्स ले सकें, टैक्सेस ले सकें, ट्रिब्यूट्स ले सकें, किसी भी तरह से, ठीक है। सो व्हाई किंग्स कंट्रोल ट्रेड रूट्स, बिकॉज दे वांटेड टू गेट बेनिफिट। कौन कौन सा बेनिफिट, बिकॉज ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स, ठीक है, वो ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट्स लेना चाहते थे। In return, they often protected, और बदले में वो क्या करते थे, प्रोटेक्शन देते थे। In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms, so that robbers कौन होते हैं, जो इन पे अटैक ना कर पाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एक पूरी स्टोरी की तरह आपने इसको बताना है। Who will form the story? एक स्टोरी बनाओ जल्दी से, हरी अप, I'm giving you 1 minute. Very good. एक स्टोरी की तरह इसको याद करो, एक स्टोरी की तरह बताना है आपने। इस स्टोरी में 3 करेक्टर होंगे, एक किंग एक ट्रेडर और एक रॉबर। जल्दी हरी अप, एक किंग, एक ट्रेडर और एक रॉबर, हरी अप। कैसे स्टोरी की वे में आपने इसको लर्न करना है, हाउ किंग्स कंट्रोल डिफरेंट ट्रेड रूट्स। एक स्टोरी जल्दी से बनाओ जिसमें आपने एक किंग, एक ट्रेडर और एक रॉबर कौन जो अटैक करता है, हरी अप। वेरी गुड,
I want to see how you will learn the answer by making a story. Okay, very good. Hanji Divya. Yes, beta. Keep a mic on. Okay, Kritagya. Hanji beta. There was a person who was going from China by taking the silk. Very good. The way was very long to his home. Very so good. He decided to stay in that country for one night. He wanted protection from the robbers. Hanji. He wanted protection from the robbers. Very good. So when in the morning he went to the king and said that I am going from your country. What I have to give to you? So Very the good. King said that you have to give me the taxes. Or gifts. Because you stayed here, then that person gave him the taxes or gifts. Then he went to his home. Very good, Kritagya. Yes, clap for Kritagya. Very good. So in this way, by making a short stories, you can learn the answers. Question kya hai? How the kings controlled, why the kings controlled trade routes? Kings create trade routes ko kyun control karna chahte the? Because they were expecting gifts, tributes, taxes from the people. And the Silk Route ki story that is very famous at that time. Many, many people, many kings, they became very rich. Unko to baithe baitha income ho jati thi. Bas unhone kya karna tha? Jo trade routes hote the, un trade routes ko protect karna hota tha. Taki unko unke raaste se aane jaane wale jo bhi traders hain, wo safely दूसरी कंट्रीज में जा सके. बदले में वो अपनी आर्मी, अपने सोल्जर्स की हेल्प करते थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. क्लियर? सो इस तरह से बहुत से ऐसे किंग्स, बहुत सी ऐसी डायनेस्टीज जो है वो फेमस हुई. ठीक है, ऐसी ही एक डायनेस्टी जो है वो लास्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, कुशाना डायनेस्टी. ठीक है, व्हाई दिस डायनेस्टी बिकेम वेरी पावरफुल? बिकॉज दे कंट्रोल सिल्क रूट्स. उन्होंने बहुत से सिल्क रूट्स को कंट्रोल किया. द नेम वॉज कुशाना डायनेस्टी. KUSHANAS, Kushanas dynasty. They controlled major sea routes. उन्होंने sea routes को control किया. Clear? So the best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushanas, who ruled over India, Asia 2000 years ago. यानी कि 2000 years ago उन्होंने इन areas को control किया. Their major centers, दो cities के name आपने याद रखने हैं, Mathura and Peshawar. ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है, टाइम इज ओवर नाउ. सो यू हैव टू रीड द पेजेस प्रॉपरली एंड लर्न क्वेश्चन आंसर्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे. क्लियर बेटा? थैंक यू.